क्या हो गया इसका मतलब? अब हम उतरने लगे हैं और ये हमारा आस्ताना आ गया है और इधर हम आ गए हैं। चाचा दिखाएं जाए हम अपना। अब राणा जी हमें बोतल पिलाने लगे हैं। राणा जी कौन सी बोतल? कौन सी? कोक या स्टिंग? कम से कम कोक होनी चाहिए यार। मैं भी कोक पीऊंगा। तू कड़ी पीनी? चाचा जी कौन दो कोक कर दे, एक स्टिंग दे। दो कोक और एक स्टिंग। अब लोग बनांदा वा पूरा चाचा दे दे। हां ये भी कट दे दो कोक और एक स्टिंग आने लगी है। मेरी यहाँ दो कोक रख दो वाली एक स्टिंग। अच्छा जी अब स्टिंग बहुत अलग है। स्टिंग के बारे में क्या मशहूरी बनी हुई है? स्टिंग द किंग। एक बोतल मैं भी ले। तू नहीं आनी? एक बोतल मुझे भी दो भाई। उठे आ जाओ इत्थे बैठा। ये गुलाम मुस्तफा पता नहीं क्या लेने लगे। अब हम कहाँ अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम काउंटी खेला करते थे किसी दौर। जनरल्स आर ऑलवेज स्केयर्ड अप एंड ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट वॉर बिकॉज़ कैचेस आर बोर्न फॉर जनरल्स नॉट जनरल्स आर बोर्न फॉर कैचेस। यस। अब मुझे ये बोतल नहीं पीने दे रहे यार। राणा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये देख रहे हैं कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठो दूर बना लेंगे। और ये गुलाम सावटी गुलाम मुस्तफा आई लव यू यार। तो कोई वाकया ऐसा सुनाया जो मुझ पे भी थोड़ा लगता हो ताकि आवाम उससे महजूज हो। मिस जी मुझे कमजोरी हो गई थी। हाँ। सर जी मेरे दार में दर्द हो गई इस तरह का कोई। हम प्रेप क्लास में थे। हाँ। कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप क्लास में थे और उसमें क्या हुआ जी कि हमारे साथ एक लड़का होता था बिलावल, उसका नाम था गंदसूख। हाँ, बिल्कुल। बिलावल गंदसूख के बारे में कहा जाता है कि एक दिन गंदसूख साहब ने छुट्टी कर ली तो मिस ने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो उसने कहा कि मैडम जी हमें ताप चढ़ गया था। चढ़ गया था ताप? ताप चढ़ गया था। क्या हुआ कि हम क्या नाम लेते हैं अपने अपने डेस्क के नीचे से वो रैपर वगैरह उठा रहे थे तो मैंने अपने सारे रैपर उठा के ना वो भाई बिलावल गंदसूख के नीचे उसके टेबल के नीचे रख दिए। इस पर वो नहायत गजबनाक होकर टीचर से कहने लगे मिस जी इसको बताएं कि अपना गंद इसको बताएं कि अपना गंद चुके। यार ये टर्मिनोलॉजी कभी कभी आपको जिंदगी में देखने को मिलती है। और ये बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है और इसी वजह से ये इससे लोग फनी है। उनमें से गुलाम मुस्तफा सबसे सर फहरिस्त है। तो कैमरा अपने मेरे मुंह में डालना है तो तुम्हारे मुंह में ये ना डाल दूं। ये लो एक चुस्की ले लिया राणा जी ने और ये दोनों तरफ से पी जा रही है बोतल। ये मेरी बोतल पर डाका डाला जा रहा है कब्जा माफिया। भाई आपने स्टिंग नहीं दी है? कोक स्टिंग। और ये मेरा दोस्त है गुलाम मुस्तफा पट्टी फ्रॉम श्रीनगर कोक पीते हुए। लेट्स गो ब्रो। मुस्तफा साहब कोई तीसरा वाक्या पहले दो सुना चुके हैं। एक और वाक्या नहीं तीसरा वाक्या जो है ना वो वाक्या नहीं है बेसिकली वो एक हकीकत है। आजकल मसला ये है मसला नहीं कह सकते इसको खुशी का वो है कि अब हम हो गए कमिटेड। क्या हो गए? कमिटेड बिल्कुल committed. अब हम कमिटेड हो और ना वाले आंदे पकड़ पराठे ते छणे आंदी अग ना। हां जी दोबारा दोबारा पकड़ पराठे ते छणे आंदी अग नहीं एक बार और। हां क्या रन्ना वाले आंदे दोबारा चल और रन्ना वाले आंदे पकड़ पराठे ते छणे आंदी अग ना। बेशक क्लैपिंग करें क्लैपिंग। सो साहब डिस्क्राइब लव in one sentence. It is all about care. It is all about respect. It is all about understanding. And it's all about trust. मेरे ख्याल से those who deceive us, what is your opinion or point of view about them? मेरे ख्याल से ये उनका अपना अपना ज़र्फ है। जिसकी जितनी औकात होती है वो आपको दिखा देता है। जिसने जितनी खानदानी तरबियत हासिल की होती है वो आपको उतनी दिखा देता है। लेकिन आपके लिए ये है कि आप अपने सच्चे दिल से मुखलिस रहें इंशाल्लाह किसी न किसी जगह पे आपको उसका पे बेशक जो अल्लाह ताला ने ना आपके लिए लिखा हुआ है ना वो आपको मिलना है और बहुत अच्छा मिलना है अच्छे तरीके से। और इस चीज़ का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ यार। इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है बट अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। व्हेन ही प्लान समथिंग फॉर यू इट इज़ ऑब्वियसली Perfect. It has perfection. Yes. Indeed, it has perfection.